हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी में। फ्रेंड, अभी हम बात करने वाले हैं साउथ सेंट्रल रेलवे के डीवी के रिगार्डिंग, जो कि फ्रेंड अप्रेंटिसशिप और शिष्य के रिगार्डिंग होने वाला है। तो फ्रेंड, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा फ्रेंड कि मैं जो भी इस तरह का अपडेट लाऊंगा आप तक नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं एससीआर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को। तो फ्रेंड, मैं फाइनली आ चुका हूँ एससीआर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर, जो कि फ्रेंड ये 27/1/2023 के डेट में जारी किया गया है। और फ्रेंड यहाँ पे कहा जा रहा है कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं यहाँ पे, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के रिगार्डिंग जारी किया गया है। और फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एक में कहा जा रहा है कि बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT कंडक्ट ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 17/8/2022 टू 11/10/2022, यानी कि 17/8/2022 से लेकर के 11/10/2022 तक के जो CBT का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, बाई रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB एंड फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट कंडक्ट फ्रॉम 12/1/2023 से लेकर के 22/1/2023 फ्रॉम नॉन PWD कैंडिडेट्स एक्सक्लूडिंग CCA कैंडिडेट बाई रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सिकंदराबाद 9,303 कैंडिडेट। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल कैंडिडेट का जो सिलेक्शन किया गया है जनरल और PWD और CCA यानी कि कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट, टोटल कैंडिडेट का यहाँ पे मात्र 9,303 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है। अब चलिए फिर देखते हैं कि एससीआर में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो कि वैकेंसी के रिगार्डिंग जारी किया गया था। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड साउथ सेंट्रल रेलवे, ठीक है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो था 9,328 था, ठीक है, 9,328 था, जिसमें से एक सर्विस मैन 1,867 था और वही CCA कैंडिडेट का 1,867 और 125, ठीक है। तो 125 यानी कि फ्रेंड यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो दिया गया था 9,328 दिया गया था, जिसमें से एक सर्विस मैन और CCA मिलाकर के फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,836, अगर इसको गुना कीजिएगा 1,867 गुने 2 कीजिएगा तो लगभग 3,734, ठीक है, 3,734 सीट जो हो गया ये केवल और केवल एक सर्विस मैन और CCA कैंडिडेट के लिए रिजर्व था, प्लस इसमें आप जोड़ दीजिए 125 तो 3,859 कैंडिडेट का जो 3,859 जो सीट है यहाँ पे केवल और केवल CCA PWD और एक सर्विस मैन के लिए रिजर्व था। तो फ्रेंड यहाँ पे टोटल सीट जो जनरल का कितना हो जाता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब इसको हम घटाएंगे 9,328 में से घटाएंगे तो फ्रेंड 5,469 सीट, ठीक है, यानी कि 5,469 सीट जो है ये केवल और केवल जनरल कैंडिडेट के था। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे टोटल कैंडिडेट का सिलेक्शन कर लिया गया है, ठीक है, इसमें जनरल कैंडिडेट का भी इससे भी ज़्यादा कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है। वो किस बेस पे किया है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड मैं यहाँ पे रिजल्ट का PDF खोल चुका हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड रोल नंबर ऑफ PWD कैंडिडेट, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे PWD का जो सिलेक्शन किया गया है 100 कैंडिडेट ओनली, यहाँ पे मात्र 100 कैंडिडेट का ही सिलेक्शन हुआ है PWBD में, जबकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो था फ्रेंड PWBD के लिए 125 था, इसमें से मात्र 100 कैंडिडेट का ही यहाँ पे सिलेक्शन किया गया है। तो 25 सीट का क्या हुआ है ना, यहाँ पे ये देख लीजिए। और उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं रोल नंबर ऑफ CCA कैंडिडेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं केवल और केवल CCA कैंडिडेट का रोल नंबर दिया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड यहाँ पे CCA कैंडिडेट का कितना यहाँ पे सिलेक्शन किया गया है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड हाँ, तो फ्रेंड यहाँ पे CCA कैंडिडेट का जो सिलेक्शन किया गया है 900, ठीक है, 987 कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन किया गया है जो कि केवल और केवल CCA है। लेकिन इनका सीट जो है फ्रेंड 1,867 है, ठीक है, 1,867 सीट है, जिसमें मात्र 987 कैंडिडेट का ही सिलेक्शन किया गया है। तो इनके जो बाकी सीट बचे अप्रेंटिसशिप के जो बाकी सीट बचे आखिर वो गया कहाँ। तो फ्रेंड बाकी जो सीट बचा यानी कि 1,867 में से घटाएंगे
880 सीट, ठीक है, यानी कि 880 सीट जो सीसीए वाले का रह जाता है वो आखिर गया कहाँ? तो फ्रेंड ये जो 880 सीट बचा इस पर जनरल कैंडिडेट को बुला लिया गया है, ठीक है, 880 सीट पे जनरल कैंडिडेट को बुला लिया गया है, जो कि यह सीट अप्रेंटिसशिप वालों को मिलना चाहिए था, ठीक है, और नहीं तो इसे बैकलॉग रखा जा सकता था, लेकिन फ्रेंड यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। और देखिए फ्रेंड यहाँ पे 55 कैंडिडेट, एक सर्विसमैन के, देखिए फ्रेंड बहुत ही कम कैंडिडेट यहाँ पे मिले, मात्र 55 कैंडिडेट ही एक सर्विसमैन के थे, जबकि इनका भी सीट सीसीए का जितना सीट था उतना ही एक सर्विसमैन का था, इनका मात्र 55 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ, तो बाकी सीट जो भी था इस पे जनरल कैंडिडेट को बुला लिया गया है, और वही पीडब्ल्यूबीडी का है फ्रेंड यहाँ पे। और ये सब जो भी आप देख रहे हैं ये सब जनरल कैंडिडेट का है, ठीक है, तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हैं 80,161 कैंडिडेट्स, यानी कि यहाँ पे टोटल कैंडिडेट इतना का सिलेक्शन किया गया है, और ग्रैंड टोटल 9,303 कैंडिडेट्स ओनली, और यहाँ पे टोटल कैंडिडेट का जो सिलेक्शन हुआ है 9,303 कैंडिडेट का, और यहाँ पे कट ऑफ भी दे दिया गया है, कट ऑफ मार्क्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये फेज वन है, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड जितना सीट था यहाँ पे रेलवे ने पहले ही ये नोटिस में जारी कर दिया था कि हम जो कैंडिडेट को बुलाएंगे वो 1:1 का होगा, तो फ्रेंड यहाँ पे जितना सीट था, ठीक है, उससे थोड़ा कम ही कैंडिडेट का बुलाया गया है, और कटअप क्या गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का, तो पीडब्ल्यूडी जो कि वीएच कैटेगरी के थे उनका 66 गया है, और वही एचएच का गया है 30, और ओएच का गया है 56, और एमडी का 63 गया है। वही मैं बात कर लूँ फ्रेंड नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का, तो आप देख सकते हैं यूआर वालों का बहुत ही कम कटअप गया है, मात्र 60 गया है, ठीक है, और वही एससी का 51 गया है, और एसटी के लिए 50 गया है, और ओबीसी का 58, और ईडब्ल्यूएस का फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 51.17 गया है, और वही एक सर्विसमैन का 30 नंबर गया है, ठीक है, यानी कि ये सब जो आप देख रहे हैं ये केवल और केवल क्वालिफाइंग मार्क्स पे इन लोगों का सिलेक्शन हो गया है, ठीक है, एक सर्विसमैन का और सीसीए का, सीसीए का मात्र 30 नंबर गया है, जबकि फ्रेंड यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज ये नहीं दिखाया है, ठीक है, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि यूआर का जो कटअप गया है फ्रेंड, ठीक है, यूआर सीसीए का जो कटअप गया है 40 गया है, ठीक है, और वही ओबीसी के लिए गया है 30 नंबर गया है, ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 30 गया है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 40 गया है। तो फ्रेंड यही वो कटअप के रिगार्डिंग था, और फ्रेंड आप लोग बताइएगा, ठीक है, जिनका मार्क्स अगर 40 से कम आया है, ठीक है, और उनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है कि नहीं सीसीए वाले, यहाँ पे आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में कंफ्यूजन बना हुआ था कि 40 से कम मार्क्स वाले को भी बुलाया जाएगा, और बुलाया गया है, लेकिन फ्रेंड हमें नहीं लगता है कि यहाँ पर बुलाया गया है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का यहाँ पर रोल नंबर दिया गया है कि नहीं, ठीक है, अगर आपका रोल नंबर यहाँ पर दिया गया है तो फ्रेंड आपका यहाँ पर डीवी के लिए फाइनल सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही रखता हूँ, फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, और बात करेंगे फिर नेक्स्ट अपडेट की।